हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि दो नाली बंदूक में दो नालियां क्यों होती हैं, जबकि गोली दागने के लिए एक नली भी काम कर सकती है। दो नाली बंदूक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये दो बंदूकों का जोड़ होती है। इसमें दो नाल ही नहीं बल्कि दो ट्रिगर भी होते हैं। दो नाल और दो ट्रिगर होने से किसी भी परिस्थिति में यदि आपने फायर कर भी दिया और निशाना गलती से चूक भी गया तो आपका दुश्मन आपके ऊपर गन रीलोड करते समय हमला नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी आपके पास एक कारतूस बैरल में फायर होने के लिए तैयार है। दोनाली बंदूक का एक और फायदा ये है कि आप एक साथ दो अलग अलग कारतूस लोड करके रख सकते हैं। जो नहीं जानते उनको बता दूं कि 12 बोर कारतूस बहुत तरह के आते हैं, जैसे पक्षियों के शिकार करने के लिए छर्रे वाला कारतूस, हाथियों के शिकार करने के लिए स्लग कारतूस, राइफल कारतूस और भी कई तरीके के आते हैं। इस दोनाली बंदूक का एक और फायदा ये है जो एक नली बंदूक में भी होता है, वो है इसका आसान सा डिज़ाइन। इसके डिज़ाइन की सादगी ही इसको एक भरोसेमंद हथियार बनाती है। ये इतनी सीधी सादी बनावट के साथ आती है कि इसके खराब होने या गोली फंसने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। दोनाली बंदूक को कोई भी 10 मिनट में चलाना सीख सकता है। इस बंदूक में कारतूस छर्रे वाले मतलब साइकिल की गोलियों की तरह के कारतूस में भरे होते हैं, तो आपको कोई अच्छा निशानेबाज होने की भी जरूरत नहीं है। बस किसी की भी तरफ तान दीजिए और ट्रिगर दबा दीजिए। एक साथ लोहे के छर्रों का झुंड नाल से बाहर निकलकर दुश्मन की तरफ जैसे जैसे बढ़ेगा, छर्रे फैलकर लगभग 1 मीटर का गोला बना लेंगे। तो अब अगर आपका निशाना चूक भी गया तो भी दुश्मन को कुछ छर्रे जरूर लगेंगे। एक और फायदा दोनाली बंदूक का ये भी है कि इसकी दोनों नालों में चेकिंग सिस्टम होने के कारण आप दूर के शिकार के लिए एक नाल का और पास के शिकार के लिए दूसरी नाल का प्रयोग कर सकते हैं। यही सब फायदे दोनाली बंदूक से मिलते हैं। यही कारण है कि दोनाली बंदूक को ईजाद किया गया। ये एक बेहतरीन घातक हथियार है। इसकी गोली लगने पर इंसान को बचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गोली तो एक ही होती है, डॉक्टर निकाल सकता है, लेकिन इसके छर्रे 60 या 70 तक हो सकते हैं, तो डॉक्टर के लिए हर छर्रे को निकालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सेल्फ डिफेंस के लिए इस हथियार का लाइसेंस लेकर इसको खरीद सकते हैं। ये एक सस्ता, टिकाऊ और भरोसेमंद घातक हथियार है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय हिंद, नमस्कार।